हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो, क्या हो गया बाबू, नाराज क्यों? हेलो हेलो। हाँ सर, बताइए अभी इनके सामने, बताइए कि आपने क्या बोला है। किनके सामने? जो मेरे रेफरेंसेस में है तो उनसे आप पैसा ले लीजिए, इसका भी पैसा ले लीजिए। किसको कॉल लगाया है, किसको कॉल लगाया है ये तो बता दो, किसको कॉल लगाया है? आपकी वाइफ की है लाइफ। अरे किसको कॉल लगाया है ये तो बताओगी? तो मैंने बोला ना आपकी वाइफ है, बोलिए मैडम। अरे मेरी वाइफ तो है, किसको कॉल लगाया वो पूछ रहा हूँ। हेलो हाँ मैडम बोलिए। वो क्या पूछ रहे हैं ना, वो क्या पूछ रहे हैं आप, उनको जवाब दो ना पहले। तो मैंने क्या बोला उनको, नहीं पहले आप बोला जवाब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप, जवाब दो ना उसको। तो मैंने बोला ना कि उनके, मैडम मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरी वाइफ तो बोल रही है, पर ये मेरी वाइफ है तो मेरा नाम क्या है, किसको कॉल लगाया वो तो बताओगी। क्या क्या? अरे मेरा नाम क्या है, किसको कॉल लगाया आपने? मनीष की बात कर रहे हो ना? नहीं मनीष नहीं बोल रहा मैं। अरे सर अभी क्या, अभी कितना जोर बोलोगे? नहीं मैडम मनीष नहीं बोला, आप एक बार नंबर चेक करो, शायद आपने गलत मिला दिया नंबर। आप चेक कीजिए, अभी बात कीजिए मेरे से। बताइए आप नंबर बताइए मेरा। 877 9। तो क्या नंबर है आपका? मेरा 8028 है। आप एक बार जो है ना कॉल बैक करना है। आप चेक कीजिए नंबर। मैडम मैं क्यों चेक करूँ, मैंने थोड़ी मिलाया के पास। क्या? मैंने थोड़ी कॉल मिलाया चेक करने के लिए। तो मेरे जो नंबर लगाया वही बराबर है और यहाँ पे रजिस्टर भी वही नंबर। अभी तो बताया 8028 है मेरा नंबर लास्ट। आप एक बार नंबर दोबारा चेक करो। पूरा बताइए, पूरा बताइए सर। पूरा जान के क्या करोगे, लास्ट डिजिट बता रहा हूँ आप। हाँ क्या है? पूरा लास्ट डिजिट है 8028। आप इसको एक बार चेक करो नंबर को, या एक बार दोबारा कॉल करो। फिर से कॉल कर रही हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। हाँ और ये जो आप कर रहे हो ना, पूरा घुमाने का काम कर रहे हो ना, तो ये पूरा प्रॉपर है। मैडम मैं नहीं घुमा रहा, पता नहीं आप हो कौन और पता नहीं किस लेडीज को लाइन पे ले लिया और कह रही हो कि वाइफ बोल रही है। हाँ नहीं नहीं, आपके प्रॉपर एड्रेस पे ही अभी ये कंफर्म हो जाएगा। हाँ एड्रेस पे कंफर्म कर लेना। नंबर जो ऐड, जो नंबर ऐड किया मैंने वो भी और आपका भी, ठीक है? ठीक है ठीक है, समझ जाएगा। हाँ कंफर्म कर लेना, पहले आ तो जाओ एड्रेस पे। यहाँ पर रहता हूँ मैं, यूपी में आ रही हूँ। यूपी में क्या? मैं यूपी में रहता हूँ, आ रही हूँ। रघुवीर सिंह, सन ऑफ रघुवीर सिंह, हाउस नंबर कहाँ? मैडम मैं यहाँ यूपी में रहता हूँ, आपने वो सुना है चंदौसी, वहाँ रहता हूँ मैं। नहीं होगा ना वेरीफाई, सब समझेगा। ओके आप अभी हमें एक्सप्लेन मत कीजिए। ओके मैडम, मैडम ऐसे दोबारा कॉल करके पड़ जाए। हेलो हाँ जी, रतन लाल सैनी जी बात कर रहे हैं? यस मैडम जी। गुड आफ्टरनून सर, मैं ट्रू बैलेंस हेड ऑफिस दिल्ली से बात कर रही हूँ। सर पेमेंट करिए ट्रू बैलेंस की, अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया है आपने? मैडम आप बता रही हो या आप पूछ रही हो? बता नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ पेमेंट क्यों नहीं किया है और बोल रही हूँ पेमेंट करिए। अच्छा ऑर्डर दे रही हो आप? ऑर्डर दे रही हो? ऑर्डर ऑर्डर ही दे रही हूँ, ऑर्डर ही समझ लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। मैडम ऑर्डर में मानते नहीं हूँ, किसी को पता है आपसे, तुम पेमेंट नहीं करोगे। लोन खाया है तो ऑर्डर मानना पड़ेगा, पैसा नहीं तो बैठे हो ना तो ऑर्डर मानना पड़ेगा। ऑर्डर तो मैडम मैं अपने पापा का नहीं मानता, आपका क्या मानूंगा? पड़ेगा ना, हमारा मानना पड़ेगा। मैडम आप मेरी वाइफ हो, जो आपसे डर को आपका ऑर्डर मान दूंगा। नहीं नहीं आप मुझसे डरिए मत, केवल पेमेंट करवा दीजिए आप। नहीं मैडम मैं आपको ऑर्डर नहीं मानूंगा। मत करिए ठीक है, मैं रिकवरी टीम आपके घर पे भेज देती हूँ। जल्दी जल्दी कम ऑन जल्दी भेजो, आप भी आ जाना। अरे क्या हो गया?
हेलो यस मिस्टर ऋषिपाल सिंह बात कर रहे हैं सर। कर तो रहे हैं मैडम, आप बड़ी लेट बोली। गुड आफ्टरनून सर, मैं आरबीएल बैंक के बिहाफ से पिंकी बात कर रही हूँ। पिंकी जी कैसी हैं? पिंकी जी आप सर्विस कॉल की गई है सर आपके आरबीएल क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग सर। सर्विस कॉल नहीं बोलते पिंकी जी इसको, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कलेक्शन कॉल। हमारे लिए हमारे साइड से तो आपको सर्विस कॉल जा रही है ना? मुझे तो कलेक्शन लग रहा है, आप कलेक्शन की बात करोगी? कलेक्शन के लिए तो आप, वो तो कलेक्शन के लिए हमारे तरफ से है ना सर, आपके लिए तो सर्विस कॉल ही है ना, आपके पेमेंट के लिए रिमाइंडर कॉल जा रही है सर। ठीक है फिर, पेमेंट ड्यू चल रहा है आपका, आपने मुझे बता दिया रुपए का टोटल अमाउंट ड्यू चल रहा है, मिनिमम 19,850 रुपए मिनिमम है सर, आपका पेमेंट नहीं आया अभी तक। पेमेंट अभी भी नहीं आया प्रीति। क्यों सर, क्या इशू आ रहा है पेमेंट करने में? क्या इशू बताऊं आपको प्रीति जी? बताइए सर क्या इशू आ रहा है पेमेंट करने में? पक्का बता दूं? हाँ जी बताइए प्रीति जी। अभी मैंने एक जमीन खरीद के डाली हुई है। क्या सर? अभी मैंने एक जमीन खरीद के डाली हुई है। क्या आएगा अगले महीने? अभी मैंने एक जमीन खरीद के डाली हुई है प्रीति जी, उसका पैसा आएगा अभी 4 महीने बाद। ठीक है तो उसका पैसा भी, इस पे पैसे घट गए, वरना बेच देता तो उसका पैसा 4 महीने बाद आएगा, डबल हो गए तो आपके पैसे दूंगा। सर आपका पर सिविल इम्पैक्ट हो रहा है सर, काफी 2 महीने की पेंडेंसी हो गई है, इंटरेस्ट लग रहा है डेली बेसिस पे सर। जी सिविल वगैरह कुछ नहीं होता, जिसके पास पैसा है सब ठीक कर लेता है, सिविल वगैरह सब ठीक हो जाएगा। सर वो चीज सही बोल रहे हो, पर डेली बेसिस का इंटरेस्ट लग रहा है। अरे पैसा तो सब ठीक हो जाएगा जी, 100 लेट पेमेंट चार्ज ऐड हो रहा है सर। वही तो बता रहा हूँ, पैसा तो सब ठीक हो जाएगा। बात पैसों की नहीं है सर, जो लिया हुआ है वो तो टाइम पे दे दो ना सर, एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो सेव होगा ना आपका, लेट पेमेंट का बर्डन कम होगा ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? जो मैंने लिया हुआ है ना उसको चार्जेस सहित दूंगा बड़े सम्मान के साथ, कैसी बातें कर रही हैं सर? जो पेमेंट आपने दे रखी है कोई बात नहीं, अमाउंट चेक कर दीजिए, 19,850 रुपए का मिनिमम है, ये तो पेमेंट करा दो ना सर। मैं इसका सारा क्लियर करूंगा 4 महीने बाद। ठीक है क्यों सर, 4 महीने बाद क्यों सर? 4 महीने बाद जगह के दाम बढ़ जाएंगे, उसको बेच के सर आपको देता हूँ। 4 महीने बाद जगह के दाम बढ़ जाएंगे, उसके लिए बैंक थोड़ी ना सर वेट करेगा, करना तो पड़ेगा। मिनिमम तो दो, टोटल हाउस बैंक बोल रहे हैं सर। फिर मैं आपसे यही कह सकता हूँ, जो आपका जो भी फर्दर प्रोसेस है आप वो कर सकते हो। ये तो सर पहले तो मैडम आप इसको पेमेंट करनी है, आप इसको कह सकती हो कि सर ये आप मनमानी कर रहे हो, तो हाँ मैडम मैं मनमानी कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। नहीं सच में आपको मन में उठ जाओगा कि सर ये तो आप मनमानी कर रहे हो, तो मैडम मैं मनमानी कर रहा हूँ। हेलो 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 हाँ जी जी बताइए, कॉल आई थी आपकी? नहीं जी गलती से लग गया होगा। राहुल वर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ मैं राकेश सोलंकी बात कर रहा था यहाँ से। अरे राकेश सोलंकी जी कैसे हैं? बस सर बढ़िया। अरे बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई है, और बताइए कैसे चल रहा है सर? सर एक वो सर पर्सनल लोन की ईएमआई अपडेट की हुई है। आपने पहचाना मुझे? पहले भी बात हुई है आपसे? आपने पहचाना पहले भी बात हुई है आपसे? पहले भी हुई है, इसलिए तो मैंने आपको फोन मिलाया था, आपको नंबर से आपने इस नंबर से कॉल करा था। आपसे बात करके दिल खुश हो गया बड़े दिनों बाद, पता है बड़े दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी। मैं कह रहा था क्या रहा सर ईएमआई का? ईएमआई का क्या बताऊँ आपको, ईएमआई का बता बता के परेशान हूँ, लेकिन आप फिर कॉल कर देते हो, बड़ी समस्या की बात है। क्या बताओ? ईएमआई का ये है कि मैं ये पेमेंट नहीं दूंगा रजिस्टर्ड, मैं ये पेमेंट नहीं दूंगा, डिफॉल्ट नाम की चीज होती है वो करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं आप फिर कॉल कर। अच्छा सोलंकी जी और बताइए आप, ईएमआई की तो बात होती रही, और बताइए क्या कहते हैं आपका, क्या कलेक्शन मैनेजर हो ना आप? हाँ आपसे पहले भी बात हुई है। अच्छा और बताइए कैसा घर परिवार में सब बढ़िया? सब बढ़िया, आप बताइए बस।
और कलेक्शन बहुत बढ़िया, सब घर पर बढ़िया। अभी बेटा कह रहा है मतलब जिद कर रहा है पापा कार ला के दो, बड़ा परेशान कर रहा है बच्चों ने। अभी बेटा जिद कर रहा है पापा कार ला के दो, बड़ा परेशान कर रहा है बच्चों ने। और मैं कह रहा हूँ कुछ होगा ही नहीं होगा ई एम आई का, तो देखो बिल्कुल साफ शब्दों में बता दीजिए आपको ई एम आई का बिल्कुल खोल के साफ शब्दों में बता दिया डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट होगा हाँ, फिर आगे कोई लोन वोन नहीं देना क्या? नहीं आगे नहीं, इकट्ठा ले लिया ना 40-45 लाख का। अच्छा मल्टीपल कर लिया आपको नहीं दे दिया? अरे बहुत NBFC बैंक सब से उठा रहा, क्रेडिट कार्ड ले, पर्सनल लोन ले, सब बिल्कुल पेल दिया अच्छा करके। अच्छा मैंने सोचा इकट्ठा ही प्लानिंग कर लो, और क्या इकट्ठा ही लेके खत्म करो एक बार। बाकी एक बात बताओ, बाकी मैंने सुना है जैसे मेरा सिविल ठीक हो जाएगा सेटलमेंट के बाद। सेटलमेंट के बाद सिविल ठीक नहीं होता? नहीं हो जाता है पर्सनल, वो वैसा क्या कहते हैं सिक्योर लोन ले लेकर। तो ढाई तीन लोन जब मिलेगा ना, जब सिविल ठीक होगा सिक्योर लोन लोगे कब? सिक्योर खराब हो जाएगा कहाँ से मिलेगा? अरे हाई रेट ऑफ सिक्योर लोन कैसे नहीं मिलता? आप घर के ऊपर ले लो, आप गहनों के ऊपर ले लो, तब तो मिलेगा। घर के गहनों के ऊपर नहीं मिलेगा सिक्योर लोन, वो तो एफडी पे मिलेगा। हाँ तो आपका जैसे मैं लूंगा तो ढाई तीन साल में सिविल उठ जाएगा। तो मैंने सुना है जिस बैंक का मैंने डिफॉल्ट किया वो दोबारा कार्ड नहीं देगा मुझे सिविल ठीक होने के बाद। वो दोबारा कार्ड नहीं देगा बैंक मुझे सिविल ठीक होने के बाद, सही में? नहीं वो तो क्या कहते हैं सिविल पे तो आएगा ना इम्पैक्ट, सिविल पे तो NPA शो होगा हमेशा। नहीं सिविल पे तो शो होगा राइट ऑफ NPA विंटेज जो भी, लेकिन बाद में जैसे मैं इसको ठीक कर लूंगा 3-4 साल में, तो क्या कहते हैं मैं जैसे लोन लूंगा तो आप बैंक वाले मना कर दोगे मुझे देने को कि आपका पहले मतलब डिफॉल्ट किया आपने हमारे बैंक से नहीं मिलेगा? हाँ वो तो सिविल के ऊपर होगा, सिविल में शो होंगे सारे लोन NPA, तो कहाँ हो पाएगा? तो फिर मुझे NBFC से लेना पड़ेगा। नहीं जैसे मान लो सो तो होगा ST पे तो, लेकिन सिविल तो ठीक है, अब भी नहीं मिलेगा? अब तो मिल जाएगा, मगर ये ना अभी तो जैसे ये इसकी दो EMI होगी येस बैंक की पर्सनल लोन की, अब सबकी EMI पेंडिंग चल रही होगी ना, वो तो शो होगी NPA हो जाएगा उससे पहले। आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को पहले गौर से सुनिए ठीक है। जैसे राइट ऑफ कर देता हूँ, राइट ऑफ के बाद में इसका सेटलमेंट कर लेता हूँ ठीक है, और आपका सारे लोन सेटल कर लिए। अब मेरा जो है ना जो भी सिविल है स्टॉप हो गया, अब मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बाबूजी ये लो मेरे गहने और मुझे सिक्योर लोन दे दो, या मेरे घर के कागज मुझे सिक्योर लोन दे दो ठीक है। तो आप सिक्योर लोन लोगे क्या? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, लोगे कैसे सिक्योर लोन? पर्सनल लोन तो मिलेगा ही नहीं। अरे घर के ऊपर गहनों के ऊपर, घर के ऊपर गहनों के ऊपर मिलेगा या नहीं? घर के ऊपर गहनों के ऊपर क्या होम लोन मिलेगा? होम लोन पे क्या कहते हैं, होम लोन का फिर इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ जाएगा जब सिविल कम होगा तो। नहीं वो तो ठीक है लेकिन, हाँ वो तो ठीक है लेकिन मिल जाएगा ना? हाँ वो तो मिल जाएगा। तो अब आप मानो इसकी एक EMI तो करवा देते फिर, जब इतना कर रहे हो। नहीं पहले EMI तो करवा देते, मैं पहले अपनी जानकारी ले लेता हूँ, सबको देनी है जानकारी। तो क्या कहते हैं आप मानो मैंने अब 3-4 साल में ठीक कर लिया सिविल, अब मैंने अगर RBL बैंक का डिफॉल्ट गया तो RBL बैंक मुझे दोबारा कार्ड नहीं देगा क्या पूरे जीवन भर कभी सिविल ठीक होने के बाद? सिविल ठीक कैसे करोगे? एक बार मुझे बताओ तो, जब उसमें सब चीज मेंशन होएगी। अरे भाई हिस्ट्री क्या कहते हैं, सिविल तो उठ जाएगा, हिस्ट्री पे तो शो करेगा हाँ इसने सेटलमेंट किया हुआ है, वो बात ठीक है आपकी। हाँ हिस्ट्री पे तो शो करेगा ही, लेकिन सिविल तो ठीक है, मुझे दोबारा कार्ड मिलेगा नहीं ये पूछ रहा हूँ। पहले आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा उसके बाद हो जाएगी ये बात तो। अच्छा आप सिविल स्कोर बढ़ जाएगा तो अभी जब सिविल स्कोर बढ़ जाएगा तो मैं भी जाएगा। जैसे आप किसके व्याप से बोल रहे हो? आप किसके व्याप से बोल रहे हो? यस बैंक के। यस बैंक का मतलब मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मैंने उसको सेटल कर लिया। अब मैं क्या कहते हैं 4-5 साल बाद उठा के लाया, अपने सिविल उठा लिया मैंने 4-5 साल बाद। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भैया सिविल उठा हुआ, हाँ सेटलमेंट शो करेगा कि भाई पहले सेटलमेंट कराया था, तो आप लोग मुझे कार्ड दे दोगे नहीं दोगे? 4-5 साल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा पक्का? नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन वगैरह कुछ नहीं? नहीं। क्यों? वो इस बिहाफ पे कि लास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बिहाफ पे नहीं मिलेगा। अच्छा डिफॉल्टर आ जाएगा ना उसमें, तो फिर मुझे यार NBFC से लेना पड़ेगा लग रहा है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है फिर, आपको तो बाकी मैं बता चुका हूँ। मैंने सोचा कि मुझे तो है खैर, आपसे दोबारा रिकन्फर्म कर लेता हूँ। तो हो ही इस महीने ई एम आई एक हो या नहीं? आगे सोलंकी जी ये तो डिफॉल्ट ही जाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ मल्टीपल डेप ले लिया ना मैंने, सोच समझ के लिया था प्लानिंग करके। अच्छा तो मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा। ठीक है ठीक है, आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।